हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए YouTube के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में, सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सहारा इंडिया के सभी सवालों के जवाबों के बारे में। जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो क्या सभी सहारा निवेशकों को मिल जाएगा पैसा, क्या है ऐसा बड़ा खेल, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम समझेंगे। और क्या कितने लोग सहारा इंडिया के पोर्टल पे, कितने लोग यहाँ पे लॉन्च, मतलब जब से लॉन्च हुआ है कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं, क्या आप सभी लोगों को 10,000 रुपया ही मिलेगा, उससे क्या अधिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पता है 31 जुलाई 2023 को जंतर मंदिर पे जो प्रदर्शन हुआ था उसके हिसाब से अभी क्या प्रभाव पड़ा है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड और यूट्यूब के रिलेटेड जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पे कि क्या सभी लोगों को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने लोग यहाँ पे निवेशक मतलब अप्लाई किए हैं और क्या आगे का न्यूज है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम बताएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तक दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों हम बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे न्यूज जो मैं जितना भी न्यूज बनाता हूँ वो कोई भी फेक नहीं होती है। मैं जो न्यूज आता है उसी न्यूज को हम आपको डिटेल में, उसमें से जितने भी पॉइंट होते हैं उसी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों मैं बात करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा मोटिवेट सवाल यही था कि क्या सभी सहारा निवेशकों को पैसा मिल जाएगी, क्या है खेल, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सबसे दोस्तों मोस्ट सवाल ये है कि सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब से करीब 4 करोड़ ऐसे निवेशक है जहाँ पर उनको पैसा वापस मिल सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि कौन से छोटे निवेशक है, वो कौन से सहारा के छोटे निवेशक है जहाँ पर उन लोगों को 4 करोड़, जो कि 4 करोड़ ऐसे निवेशक जहाँ पर उनको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसका समझने का ये है कि जिनके निवेश में मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा बात को, जिनके निवेश में मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है निवेशकों को 10,000 रुपये की राशि डिमांड की जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो उनको 10,000 रुपया मिल जाएगा जिनकी राशि अभी तक छोटी है और जल्द से जल्द उन लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। अब दोस्तों सहारा समूह के कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे करोड़ों निवेशक हैं, ठीक है, जिनके पैसे वापसी के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था 18 जुलाई 2023 को। ठीक है, रिफंड पोर्टल में लाखों संख्या के निवेशक में पैसा वापसी आवेदन कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है, और दोस्तों मैं बात करें तो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह का रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि 45 दिनों के भीतर निवेशकों का पैसा उनके खाते तक पहुंच जाएगा। अब सहारा कोऑपरेटिव निवेशक को सहारा निवेशकों को उम्मीद बढ़ गई जिनका पैसा वापस मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैं आपको बता दूं कि सहारा पैसा जितने लोगों को डूबने वाला था, अभी सहारा जैसे आया तो सभी लोग को अभी 10,000 रुपया देने की जो डिमांड है वो अभी तक जारी हो चुकी है और जल्द से जल्द अगर बात करें तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इस पे अप्लाई किया जा रहा है। मैं बात करूँ 31 जुलाई 2023 मतलब कल के बारे में, तो वहां पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई सरकार को प्रभाव पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड एक बार यूज कीजिए कि अगर आप लोग वहां पे जाते हैं जंतर मंतर या कहीं पे भी जाते हैं, एक दिन का अपना समय बर्बाद करके जाते हैं, एक दिन या एक हफ्ते का समय बर्बाद कर सकते जाते हैं, तो क्या सरकार आपको पूरा पैसा देगी? नहीं देखिए, जो अप्लाई होता है जो कंडीशन बनता है, जो कि अप्लाई करने से पहले जो नियम और शर्तें होते हैं उसको आप लोगों को समझना होता है, क्योंकि अमित शाह ने ट्वीट करके उस दिन भी बोला था और आपके सामने वो भी वीडियो अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, जाके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें सहारा के निवेशकों को पैसे की वापसी को लेकर गतिविधियों से लेकर हर रोज रिफंड पोर्टल पर भारी संख्या की, जो मैं सबसे पहले बताया कि वहाँ पे क्लेम किए जा रहे हैं। करीब 4 करोड़ छोटे जो निवेशक फंसा हुआ है, केंद्र सरकार ने रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS का पोर्टल लॉन्च किया है, वहाँ पे जल्द ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनके निवेशकों में पैसा वापस मिल सकेगा, जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, पहले चरण निवेशकों को 10,000 रुपये की राशि लौटाई जाएगी, जिनका 10,000 से अधिक है उनको भी 10,000 रुपये रिफंड किए जाएंगे। बता दें कि शनिवार शाम 15 लाख से अधिक निवेशक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अब दोस्तों मैं बात करें तो शनिवार का या संडे की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, अभी मैं जैसे कि वेबसाइट की बात करें तो कभी कभी तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन जब चल रहा है तो बहुत सारे जो लोग हैं लाइन में इकट्ठे होकर इस पर अप्लाई कर रहे हैं। दरअसल हम बात करें सहारा के टोटल छोटे निवेशकों की करीब संख्या 4 करोड़ बताया जाए, अगर सभी निवेशकों के 10,000 रुपया जो करके मिलेंगे तो 40,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5,000 करोड़ की ही जो कि देने की आदेश दिया है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपये देने को आदेश दिया है। अब यहाँ पे हम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, कोलकाता, जहाँ पे जो लोग रहते हैं
अभी भारी संख्या में, तो आप 5000 करोड़ के लिए आंदोलन करना मेरे को सही नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर 5000 करोड़ अगर सफलता से लौट जा रहे हैं तो सभी लोग बता दें कि फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आएगा और उसमें आप लोग को पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे उन कौन से 4 प्रॉपर्टी सोसाइटी है जहाँ पे पैसा मिलेंगे, उन कौन से सोसाइटी को पैसा मिलने वाला है। बता दें कि सहारा ग्रुप सहारा कंपनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसा जमा करने के लिए इन्वेस्टर को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब सीआरसीएस के ऊपर दोस्तों यहाँ पे दिया है तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 5000 करोड़ में सब लोग को इस बार जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें जितना लोगों का नंबर आता है उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा। फिर से अब कोर्ट के दूसरा फैसला आएगा तो क्या उसमें सभी लोगों को पैसा वापस पूरा मिलेगा या फिर भी 10,000 रुपया करके ही मिलेगा, तो आप लोग इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे अगर बात करें तो यूपी बिहार में अगर बात करें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा लोग वहां से भी जो कि इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें सहारा समूह के बड़ी संख्या में उत्तर और भारत के लोगों ने निवेश किया है, जहाँ पे बात करें यूपी के 85 लाख निवेशक हैं, बिहार के 55 लाख निवेशक हैं और झारखंड के 24 लाख निवेशक हैं। जाहिर है कि निवेशकों को बता दें तो यहाँ पे 5000 करोड़ रुपये नहीं हो सकता, इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। अब दोस्तों पूरा अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो सहारा इंडिया के रिलेटेड हम बात करें तो उसमें 5000 करोड़ तो बहुत कमती है, लेकिन निवेशक सबसे ज़्यादा हैं। अब कोर्ट का दूसरा जब भी फैसला आएगा सभी लोग को पैसा मिलेगा। ये नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सभी लोग को पैसा मिलेगा, ये भी मैं गारंटी से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अप्लाई ज़्यादा हो जाएगा पैसा कम है तो पैसा तो मिलना नहीं है। 10,000 रुपये जिन लोगों को मिलना है वो मिलेगा, जिन लोगों का प्रोसेस अभी तक ऑनलाइन पे जो कि ऑनलाइन सक्सेसफुल हो गया उन्हीं लोग को मिलेगा, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होने वाला तो मैं बता दूं, निवेशक खुद इस पोर्टल पे लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और इस वेरिफिकेशन के बाद वापसी प्रक्रिया शुरू होगी। पैसों की वापसी पूरा 45 दिनों के होने वाली है। सहारा निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप प्रतिनिधियों द्वारा 30 दिन में वेरीफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर एसएमएस के जरिए निवेशक को सूचित किया जाएगा कि आपका जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, या आप लोगों को पैसा देने के लिए एलिजिबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो 30 से लेकर 45 दिनों के भीतर आप लोगों को आपके मोबाइल पे एसएमएस के जरिए बता दिया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह क्लियर है या आपका जो प्रूफ है या आपके पास जितने भी सहारा के रसीद है या डॉक्यूमेंट्स है या उसको बोल सकते हैं बॉन्ड है, तो हो सकता है कि वो पूरा आप लोगों को पेपर वेरीफाई करने के बाद आपको पूरा पैसा रिफंड आप लोगों को मिल जाए। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सहारा रिलेटेड ऐसे ही कुछ जानकारी आप लोगों को देने के लिए और ऐसे ही आप लोग पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड में और अपने गाँव में, घरों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सहारा इंडिया के रिलेटेड ध्यान से इस वीडियो को देख सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।